हेलो डियर स्टूडेंट, आज के हमारे टॉपिक हैं रामानुजाचार्य, INS सह्याद्री, अग्नि 5, बायोप्लास्टिक, स्टेट्स ऑफ GST, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, हैप्पीनेस करिकुलम एंड इंस्टेंट ई पैन कार्ड सर्विस। तो अब इनको हम देखते हैं बारी बारी से। तो पहला है रामानुजाचार्य, यानी रामानुजाचार्य ये कौन है? ये क्वेश्चन क्यों न्यूज में है, करंट अफेयर्स में ये क्यों है? तो रामानुजाचार्य साउथ इंडिया के एक हिंदू सेंट हैं, यानी ये एक हिंदू संत हैं। यानी रामानुजाचार्य दक्षिण भारत के एक हिंदू संत हैं। इनका जन्म 1017 AD में तमिलनाडु में हुआ है, यानी 2017 में इनके जन्म को 1000 साल पूरे हुए हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में हैं। तो रामानुजाचार्य साउथ इंडिया यानी दक्षिण भारत के एक हिंदू संत हैं, जिनका जन्म 1017 AD में तमिलनाडु में हुआ है, और ये वैष्णव धर्म यानी वैष्णव से संबंध रखते हैं। ये कौन है? ये एक वैष्णव हैं, यानी ये भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और इन्होंने विशिष्टाद्वैत वाद मत का प्रतिपादन किया है। विशिष्टाद्वैत का मतलब होता है विशिष्ट, कई लोगों में विशिष्ट हो। तो क्वेश्चन ये बनता है कि रामानुजाचार्य कौन हैं? तो ये साउथ इंडिया के दक्षिण भारत के हिंदू संत हैं। इनका जन्म 1017 AD में तमिलनाडु हुआ था, और ये वैष्णव को मानने वाले हैं, और इन्होंने जो मत दिया है यानी जो फिलॉसफी दी है वो दी है विशिष्टाद्वैतवाद। और सबसे खास बात यह है कि दो लोग इनके समकालीन और हैं, उनका नाम है शंकराचार्य और माधवाचार्य। यानी शंकराचार्य और माधवाचार्य ये लोग इनके समकालीन हैं। यानी जिस समय रामानुजाचार्य थे उसे शंकराचार्य और ये माधवाचार्य हैं। शंकराचार्य ने जो मत दिया है उसको अद्वैतवाद कहते हैं, और जो माधवाचार्य ने मत दिया है या जो एक थिंग या फिलॉसफी दी है या अपना एक तरीका दिया है लाइफ को जीने का, वो है द्वैतवाद। तो रामानुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद है, शंकराचार्य का अद्वैतवाद है यानी एक है, और इनका द्वैतवाद है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है मिलाने के लिए कि इनमें कौन कौन समकालीन हैं। तो रामानुजाचार्य के शंकराचार्य और माधवाचार्य कंटेम्परेरी हैं यानी समकालीन हैं। इन्होंने विशिष्टाद्वैत का मत दिया है, शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का और माधवाचार्य ने द्वैतवाद का। और रामानुजाचार्य न्यूज में इसलिए हैं कि इनके जन्म को 2017 में 1000 साल पूरे हुए। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि रामानुजाचार्य का जन्म किस राज्य में हुआ था या वो कहाँ के थे। तो उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था, और ये किसका फॉलो करते, किसके अनुयायी थे, मतलब शैव के थे, वैष्णव के थे, बौद्ध थे, जैन थे, क्या थे? तो ये वैष्णव को मानने वाले थे। नेक्स्ट टॉपिक है, ये क्लियर है, नेक्स्ट टॉपिक है INS सह्याद्री। INS सह्याद्री
INS सह्याद्री, ये एक्चुअली क्या है? INS सह्याद्री एक युद्धपोत है, यानी ये एक फ्राइगेट है, यानी युद्धपोत है, और ये शिवालिक क्लास का मल्टी रोल युद्धपोत है, शिवालिक क्लास का, यानी ये शिवालिक क्लास का मल्टी रोल फ्राइजेट है। मल्टी रोल का मतलब है इस युद्धपोत से कई तरह के मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। तो सबसे पहले पूछ सकता है INS सह्याद्री क्या है, तो INS सह्याद्री एक युद्धपोत है, यानी फ्राइजेट है ये। दूसरी बात, ये कहाँ बनाया गया है? ये मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई बनाया गया। कहाँ पर है ये? मुंबई में, मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड। तो ये मुंबई के मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में बनाया गया है, और ये पहला स्टील्थ वारशिप है। पहला स्टील्थ वारशिप, स्टील वारशिप का मतलब होता है कि ये ऐसा युद्धपोत है जो रडार के नज़र में नहीं आएगा। तो ये इंडिया में बनाया गया पहला ऐसा युद्धपोत है जो रडार के नज़र में नहीं आएगा, यानी ये स्टील्थ वारशिप बिल्ट है। ये स्टील वारशिप बिल्ट, यानी ये रडार की नज़र में नहीं आएगा। तो ये था सह्याद्री, INS सह्याद्री, सिंपल सा एक युद्धपोत है। ये शिवालिक क्लास का मल्टी रोल युद्धपोत है, यानी इसे कई प्रकार की मिसाइल्स को, रॉकेट को छोड़ा जा सकता है, और ये इसका निर्माण मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड मुंबई में हुआ है, और ये पहला युद्धपोत है जिसे रडार भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, यानी अगर रडार, दुश्मन का रडार खोजना चाहेगा तो ये नहीं मिल सकता। नेक्स्ट है अग्नि 5। अग्नि 5 क्या है? ये अग्नि 5 अग्नि 5 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी ये मिसाइल ऐसी है कि एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पर भी आक्रमण कर सकती है, जिसका निर्माण किसने किया है? DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका क्या फॉर्म है? फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ पर है? ये दिल्ली में है। तो इसका जो अग्नि, पहली बार पूछेगा अग्नि 5 कैसी मिसाइल है, तो ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी अंतर महाद्वीपीय, यानी एक महाद्वीप दूसरे महाद्वीप तक जा सकती है। किसने बनाया है? ये DRDO। इसकी रेंज क्या है? इसकी रेंज अराउंड 5000 किलोमीटर तक है, यानी ये 5000 किलोमीटर तक की मार कर सकता है, और ये, यानी दूसरी चीज़ है, ऐसी मिसाइल केवल चाइना, रशिया, फ्रांस, US, UK, यानी इतनी रेंज की मिसाइल चाइना, फ्रांस, रशिया, UK और अब इंडिया के पास है, यानी चाइना, रशिया, फ्रांस, US, हाँ चाइना, फ्रांस, रशिया, UK एंड US, USA और इंडिया।
यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी भारत छठवां ऐसा देश बन गया है, सिक्स्थ कंट्री बन गया है इसके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट जा सकती है। उसी बात है कि ये इसमें जो थ्री स्टेज मिसाइल है, ये पूछ सकता है कि कितने स्टेज मिसाइल है, ये थ्री स्टेज मिसाइल है पहली बात। दूसरी बात, ये लगभग 1500 किलोग्राम 1500 केजी न्यूक्लियर बार हेड ले जा सकती है, न्यूक्लियर बार हेड ले जा सकती है, यानी ये अग्नि 5 मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे DRDO द्वारा दिल्ली में बनाया गया है और इसकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर है। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया है चाइना, फ्रांस, रशिया, यूके, US के बाद जिसके पास इस तरह की मिसाइल है और ये थ्री स्टेज मिसाइल है और ये 1500 किलोग्राम यानी 1500 किलोग्राम न्यूक्लियर वारहेड यानी न्यूक्लियर वेपन्स को, न्यूक्लियर मटेरियल को ये ले जा सकता है। नेक्स्ट है बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक एक्चुअली क्या है? बायोप्लास्टिक बायोप्लास्टिक नाम से क्लियर है कि ऐसी प्लास्टिक जिसे ऑर्गेनिक मटेरियल से बनाया जाता है, यानी ऐसा पॉलीथीन या ऐसा प्लास्टिक जिसे वेजिटेबल से, ऑयल से और अदर लिविंग मटेरियल से, लिविंग वेजिटेबल मटेरियल से बनाया जाता है तो इसे हम बायोप्लास्टिक कहते हैं। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये न्यूज़ में क्यों है, ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक है उसका ही अल्टरनेट है, यानी गैर अपघटक प्लास्टिक जो नॉन लिविंग मटेरियल से बनी होती है वो गैर अपघटक या नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, यानी वो डिकम्पोज नहीं होती है, लेकिन ये डिकम्पोज हो जाएगी। बट बायोप्लास्टिक इज नॉट ऑलवेज ग्रीन या कम्प्लीटली ग्रीन, ये पूरी तरह से मतलब पर्यावरण हितैषी नहीं है, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होती है तो उसमें CO2 मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग और अदर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो पहली बात आपको समझना है कि बायोप्लास्टिक क्या है, तो ऐसा प्लास्टिक है जो वेजिटेबल से या लिविंग प्लांट से या उनके मटेरियल से बना होता है, ये कम्प्लीटली प्लास्टिक से अधिक अच्छा होता है बट नॉट कम्प्लीटली ग्रीन, ये ध्यान रखना है कि ये नॉट कम्प्लीटली ग्रीन या इको फ्रेंडली, ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि जब ये अपघटित होती हैं, ये डिकम्पोज होती हैं तो इनमें CO2 और मोनोऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं जो कि पर्यावरण के लिए हानिकारक हैं। ये बायोप्लास्टिक क्या है? ऐसा प्लास्टिक है जो लिविंग प्लांट से या उनके मटेरियल से बनाया जाता है और ये प्लास्टिक का एक अल्टरनेट है
दैट इज बेटर देन प्लास्टिक बट नॉट ऑलवेज इको फ्रेंडली, क्योंकि जब ये डिकम्पोज होता है तब उसमें CO2 और मोनोऑक्साइड उनमें से रिलीज होता है जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। तो ये था बायोप्लास्टिक। नेक्स्ट है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, प्रोग्राम CMP, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। एक्चुअली ये क्या है कॉमन मिनिमम प्रोग्राम? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम एक्चुअली 2004 में UPA गवर्नमेंट द्वारा शुरू किया गया था। सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या है। एक्चुअली नाम से आपको लग रहा है कॉमन माने वो चीज़ें जो एक सभी को ज़रूरी हैं, आवश्यक है। मिनिमम प्रोग्राम यानी वो आवश्यक उन ये प्रोग्राम उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए चलाया गया होगा। नाम से लगता है कि जो इंसान की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम। तो पहली बात है कि ये कब शुरू हुआ? 2004 में शुरू हुआ। किसने शुरू किया ये? UPA गवर्नमेंट्स के। UPA का मतलब है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये कांग्रेस के नेतृत्व में होता है। जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो UPA गवर्नमेंट कहलाती, क्योंकि UPA का मतलब है कि यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस ऐसे पार्टी का समूह है जिसकी सरकार है। इसका एक अध्यक्ष होता है जिसकी मिसेस सोनिया गांधी थी। तो UPA गवर्नमेंट ने शुरू किया था और इसका पर्पज़ क्या था? प्रमोट द सोशल हारमोनी। इनका जो पर्पज़ था वो था प्रमोट द सोशल हारमोनी। यानी सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ। नेक्स्ट था वेलफेयर फॉर फार्मर, यानी फार्मर वेलफेयर, यानी किसान का फायदा हो। वुमेन एम्पावरमेंट यानी वुमेन एम्पावर। एक्चुअली जो वुमेन एम्पावरमेंट है, नेक्स्ट इसमें ये है कि ऑल पीपल आर इक्वल, यानी और वुमेन एम्पावरमेंट। सबसे पहली बात है प्रमोट द सोशल हार्मोनी, सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देना। दूसरा था इकोनॉमिक ग्रोथ। तीसरा है फार्मर वेलफेयर। चौथा है ऑल टाइम ऑल पीपल आर इक्वल, हमेशा सभी लोग एक समान हैं। किसी में किसी तरह का कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके या रीजन को लेके कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। ऑल पीपल और ऑल टाइम ऑल पीपल आर इक्वल, वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये महिलाओं का सशक्तिकरण, ये इसके मेन पर्पस थे। नेक्स्ट है हैप्पीनेस कैरिकुलम। हैप्पीनेस
कैरिकुलम, यानी कैरिकुलम माने होता है सिलेबस जो स्कूल में दिया जाता है। तो हैप्पीनेस कैरिकुलम पूछेगा कि भारत में किस राज्य ने जारी किया है, इंडिया में, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा ये शुरू किया गया है। दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा हैप्पीनेस कैरिकुलम शुरू किया गया है, कहाँ पर, इन स्कूल्स, स्कूल में शुरू किया गया है, यानी ये नर्सरी से लेकर एट्थ क्लास तक ये शुरू किया गया है। नर्सरी से लेकर ये एट्थ क्लास तक शुरू किया गया है। और इसमें उन्होंने बोला है कि एक पीरियड हैप्पीनेस पीरियड होगा, 45 मिनट का एक हैप्पीनेस पीरियड होगा, और उनमें से 5 मिनट बच्चों को मेडिटेशन कराया जाएगा, 5 मिनट बच्चों को मेडिटेशन कराया जाएगा, यानी जो 45 मिनट हैं उनमें से 40 मिनट का हैप्पीनेस पीरियड होगा और उनमें से 5 मिनट मेडिटेशन कराया जाएगा। तो ये था हैप्पीनेस करिकुलम। क्योंकि अभी एक दो दिन कल हमारे यहाँ दलाई लामा जी आए हैं और उन्हीं की उपस्थिति में दिल्ली सरकार ने हैप्पीनेस करिकुलम जारी किया और दलाई लामा काफ़ी इंस्पायर, काफ़ी खुश हुए, काफ़ी आशीर्वाद दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री को और काफ़ी जगह दिखाई दिए वो उनके साथ में। तो हैप्पीनेस तो काफ़ी इंटरनेशनल न्यूज़ है कि दलाई लामा बौद्धिस्ट गुरु हैं, तिब्बत बौद्धिस्ट गुरु हैं। तो ये पूछ सकता है हैप्पीनेस करिकुलम भारत के किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये दिल्ली गवर्नमेंट ने स्कूल्स में शुरू किया गया, नॉट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, ये बात एकदम ध्यान रखना है, स्कूल्स ओनली, नॉट कॉलेज, स्कूल्स वो भी नर्सरी से लेकर एट क्लास तक। नेक्स्ट है इंस्टेंट ई पैन कार्ड सर्विस। इंस्टेंट ई पैन कार्ड सर्विस, इंस्टेंट ई पैन कार्ड सर्विस, ये योजना, ई पैन समझ रहे ना, ई पैन का ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ ई मिल जाए समझना, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल के माध्यम से सर्विस को प्रोवाइड करने वाले हैं। तो ये द डिपार्टमेंट, इनकम डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा ये शुरू किया गया है। ये किसके लिए किया गया, कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत इंडिविजुअल मतलब होता है स्वयं, कोई भी जाके नेट से अपना पैन कार्ड बनवा सकता है। तो इस पहले क्या होता था, पहले काफ़ी कुछ चीज़ें थी ऑनलाइन नहीं मिलता था, अब ऑनलाइन मिलेगा फॉर्म भरने के बाद। ये पैन कार्ड है क्या, परमानेंट पैन कार्ड का मतलब होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, ये क्या है, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर है, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल नंबर, जिसे द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। पैन
10 डिजिट नंबर, यानी 10 डिजिट का एक अल्फा न्यूमेरिकल नंबर होता है, जिसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। इसमें एड्रेस नहीं होता है,